good morning children by now i hope that you all must have gone through the chapter the yellow butterfly from your marigold book today we are going to discuss the dictation words and make sentences of the chapter so let's get started the very first dictation word is escape escape means kahin se bachni ki, ho, ho, bach ho. that is called escape नेक्स्ट इज़ बोर्डिंग बोर्डिंग यूज कर सकते हैं हम टू एक्सप्लेन कि आपने कोई वहीकल कैच किया है मींस आप किसी वहीकल पे चढ़े हो आप कार में बैठे हो आप प्लेन पे चढ़े हो दट इज़ कॉल्ड बोर्डिंग फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू बोर्ड द ट्रेन कि मैं ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ राइट थर्ड इज़ पीच पीच मींस एक ऐसा फ्रूट पीच को हम आड़ू भी कहते हैं ओके इट इज़ अ फ्रूट तो पीच का एक ट्री भी होता है नेक्स्ट इज मिडल मिडिल मीन्स बीच वाला जैसे कि आपकी मिडिल फिंगर है तो सबसे सेंटर में जो फिंगर है उसको हम कहते हैं मिडिल फिंगर सो middle मीन्स सेंटर एकदम जो बीच में हो चीज़ देन इज़ फ्लोट फ्लोट मीन्स तैरना पानी के ऊपर जब कोई चीज़ तैरती है तो हम कहते हैं कि इट इज़ फ्लोटिंग नंबर सिक्स इज़ शाउट शाउट मीन्स चिल्लाना सेवन्थ इज चेज़ चेज़ मीन्स किसी का पीछा करना जैसे कि इफ़ आई से द कैट इज़ चेजिंग द माउस जो कैट है वो माउस को चेज कर रही है उसका पीछा कर रही है नंबर एट फ्लटर फ्लटर मीन्स जब कोई चीज़ बहुत जल्दी फड़फड़ाती है मूव होती है लाइक इन दिस चैप्टर द येलो बटरफ्लाई द बटरफ्लाई फ्लाई वॉज फ्ल्टरिंग इट्स विंग्स वो अपने विंग्स को फ्लटर कर रही थी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मूव कर रही थी नंबर नाइन ट्विस्ट ट्विस्ट मीन्स एक चीज़ जब थोड़ा सा घुमाते हैं उसको हम या फिर अपनी गर्दन को भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं लाइक थोड़ा सा घुमाते हैं कि हम किसी की तरफ देख पाए नंबर टेन इज क्रॉल क्रॉल मीन्स रेंगना जैसे कि आप देखते हो छोटा सा बच्चा जो कि भी चल नहीं पाता है वो पूरी बॉडी के वेट के ऊपर रेंगता है या स्नैक स्नैक भी क्रॉलिंग करता है रेंगता है राइट इलेवन इज बोस्ट बोस्ट मीन्स जब आप अपनी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो खुद की बढ़ाई करते हो ठीक है खुद की बहुत ज़्यादा बढ़ाई करते हो अपनी ही बारे में बात करते जाते हो दैट इज़ कॉल्ड बोस्टिंग नंबर ट्वेल्व इज कैरेज कैरेज मीन्स एक ऐसी कार्ट जो कि कोई एनिमल ड्रॉ करता है जैसे कि आप देखते हो हॉर्स कैरेज राइट right? तो ऐसी कार्ट एक ऐसा व्हीकल ऐसा फोर व्हीलर जिसके फोर व्हील्स होते हैं ऐसा व्हीकल जिसको कोई एनिमल खींचता है आप देखते हो हॉर्स कार्ट हॉर्स कैरेज ओके okay? इस तरह से मूविंग ऑन वी हैव मेक सेंटेंसेस द फर्स्ट वन इज कैच एज अब एज अ नाउन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ नाउन की तरह जब हम चीज यूज करते हैं तो उसके बारे में कुछ बताना है तो आपने कैच के बारे में कुछ बताना है कैच करने के बारे में बात नहीं हो रही उस कैच के बारे में कुछ बताना है सो इट वॉज़ अ गुड कैच कि वो जो कैच था वो बहुत ही अच्छा था राइट अनदर एग्जाम्पल कैन बी विराट कैच सेव्ड द मैच कि विराट का जो कैच था ना उसने मैच को बचा लिया उसकी वजह से हम जीत पाए सेकेंड इज कैच एज अ वर्ब अब इसमें हम बात करेंगे कैच करने के बारे में बिकॉज इट इज़ एज अ प्लीज़ कैच द बॉल कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ बॉल को कैच कर लीजिए तो यहाँ कैच करने के एक्शन के बारे में बात की जा रही है अनदर एग्जाम्पल इज आई वॉज अनएबल टू कैच द बस आई वॉज अनएबल टू कैच द बस दैट मीन्स कि मैं बस को नहीं पकड़ पाया मैं बस को पकड़ने में ना कामयाब हुआ आई वॉज अनएबल मैं नहीं कर पाया बट बस को कैच कैच द बस मीन्स की उसमें बैठ जाना राइट नंबर थ्री इज वॉक एज अ नाउन सो वॉक एज अ नाउन वॉक के बारे में हम कुछ बताएंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक चलो एक वॉक के लिए चलते हैं ठीक है वॉक करने नंबर थ्री इज वॉक एज अ नाउन हम वॉक के बारे में कुछ बताएंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक चलिए एक वॉक के लिए चलते हैं तो यहाँ पर वर्ब है गो कि चलो चलते हैं किस चीज़ के लिए एक वॉक के लिए सैर के लिए चलते हैं ओके सो हियर वॉक हैज़ बीन यूज एज अ नाउन अनदर एग्जाम्पल फॉर वॉक एज अ नाउन इज़ आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ नेक्स्ट इज वॉक एज अ वर्ब अब वॉक करने के बारे में बात हो गई आई लव टू वॉक इन द मॉर्निंग मुझे वॉक करना सुबह अच्छा लगता है आई लव टू वॉक लव टू वॉक मीन्स सुबह चलना अच्छा लगता है एग्जाम्पल इज ही इज़ वॉकिंग डाउन द रोड कि वो रोड से नीचे उतर रहा है ही इज़ वॉकिंग डाउन द रोड वो रोड से नीचे उतर रहा है नंबर फाइव इज़ वॉच एज अउन वॉच एज अउन मीन्स एक घड़ी जिसको हम वॉच कहते हैं तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो व्हाट्स द टाइम बाय ओ वॉच जब आपको किसी से पूछना हो कि आपकी वॉच पे कितना टाइम हुआ है तो यू कैन से व्हाट्स द टाइम बाय ओ वॉच आपकी वॉच पे कितना टाइम हुआ है तो हेयर वी हैव यूज वॉच एज अउन वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस आई नीड अ न्यू वॉच मुझे एक नई घड़ी की ज़रूरत है आई नीड अ न्यू वॉच नेक्स्ट इज वॉच एज अ वर्ब अब वॉच एज अ वर्ब मीन्स देखने का एक्शन सो आई एम वॉचिंग यू मैं तुम्हें देख रही हूँ आई एम वॉचिंग यू वॉचिंग मीन्स देख रही हूँ राइट तो यू कैन सी आई हैव अटैच्ड आई एन जीव विद दिस ओके अनादर एग्जाम्पल फॉर दिस आर यू वॉचिंग द मूवी क्या आप मूवी देख रहे हो आई यू वॉचिंग द मूवी सो हेयर ऑल्सो पूछ रहे हैं कि क्या आप मूवी देख रहे हो तो मूवी देखने का एक्शन यहाँ हुआ है राइट सो दैट इज सॉल्व फ्राम माई साइड फॉर टुडे टुडे वी हैव डिस्कस्ड द डिक्टन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेज ऑफ द चैप्टर दलो बटरफ्लाई एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू राइट दम ऑल इन योर नोट बुक्स एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज ट्राई टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेज जो मैंने सेंटेंसेज बनाए हैं कोशिश करिए थोड़े डिफरेंट सेंटेंसेज बनाने की सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कोई चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई आपको पता चल सकेगा इससे राइट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स हैव अ गुड डे अड थैंक यू